everyone, now we are going to do electrochemistry NCERT solutions. This is the question number 3.1. The question is about arrange the following metals in order in which they displace each other from their salts. Well, class 10th में हमने पढ़ाई था displacement reaction, जहां पर क्या होता था कि more reactive metal displace करती थी less reactive metal को from their salt solution. देखिए Fe plus copper sulfate का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, आयरन यहाँ पे मेटल है और कॉपर सल्फेट ये सॉल्ट सॉल्यूशन है. तो देखिए यहाँ पे जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगी. तो ये बन जाएगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगी. अगर यही रिएक्शन हम करवाएंगे कॉपर और आयरन के सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि ये कॉपर आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी. क्या रीजन है, रीजन मैं आपको बताती हूँ. उसी रीजन के अकॉर्डिंग हम करेंगे 3.1, जो हमको कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन. तो बच्चे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ. इसके लिए हमको एक ट्रिक याद करना है जिसमें है लिकवा सर का ना मग अल मन जन क्रो पी को नी पब हाई कोर्ट है आपका. तो देखिए यहाँ पे जो लिकवा सरकाना मग अल मन जन क्रो फी को निब पन हाई कोर्ट है आपका. यहाँ पे आपको डिफरेंट मेटल्स दे रखे, जैसे ली के लिए हमने लिथियम लिया है, का के लिए हमने पोटेशियम लिया है. तो ये एक नॉर्मल ट्रिक है. यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमको क्या दे रखा है, हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, वो भी 298 केल्विन पे, दैट इज आल्सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर. तो यहाँ पर ये दे रखा है फ्लोरीन, इसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. लिथियम, इसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं ऊपर पॉजिटिव में है रिडक्शन पोटेंशियल और नीचे नेगेटिव है. और नीचे की तरफ क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. माने नीचे की तरफ हम आते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का जो वाले हैं वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करते हैं. ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. और हम जानते हैं जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का रिडक्शन हो रखा होता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, मतलब कि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, मतलब कि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा. तो देखिए अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन देयर ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर. तो अगर हम इस सीरीज पर जाते हैं या अगर हम इसकी भी हेल्प लेते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लिथियम सबसे अच्छा है, उसके बाद आप देख रहे हैं पोटेशियम है. तो यहाँ पे पोटेशियम हमारे पास है नहीं, तो इसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या है, मैं एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन, मैग्नीशियम है, जिंक है. तो अगर हम नीचे से जाते हैं ऊपर की तरफ तो ये मैग्नीशियम हमको सबसे पहले मिलता है, तो इसकी स्ट्रेंथ बेटा डिस्प्लेस करने की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबसे अच्छे से डिस्प्लेस कर पाएगा. उसके बाद हमको मैग्नीशियम के बाद कौन मिल रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम के बाद हमको एल्युमिनियम दिख रहा है, तो हम एल्युमिनियम लिखेंगे. उसके बाद हमको कौन नजर आ रहा है, एल्युमिनियम के बाद जो हमको स्पेसिफिकली जो हमको मेटल्स दी गई हैं, उसके बाद देखिए जिंक आ गया, उसके बाद जिंक के बाद आयरन आ गया, एंड आफ्टर आयरन वी आर हैविंग कॉपर, एंड देन इन लास्ट वी हैव सिल्वर. अगर आप इस ट्रिक से भी चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा सबसे पहले मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है, और फिर सिल्वर है. ठीक है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ये दिया जाएगा जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ना ही आपको ये सारे रीजनिंग बताने की जरूरत है, सीधे आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपको टेबल लर्न है तो. Thank you.